अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आई एम इरम नसीम वर्किंग एज अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट इन WBC। आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, बेसिकली टैपिंग की टेक्निक बताऊंगी जो हम बच्चों के साथ यूज करते हैं जिन बच्चों को सेंटेक्स या सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू होता है। बेसिकली टैपिंग क्या है कि हम एक फिंगर वन बाय वन रेज करते हैं, दिस वन, या फॉर एग्जाम्पल ये भी टैप हो जाती है 1 2 3, या हम 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ये टैपिंग टेक्निक है। बेसिकली ये होता ये है कि जब बच्चे में जिन बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू आ रहा होता है तो उसमें हम ये करते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड्स होते हैं उसके साथ एक टैप को एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि मेरा नाम अली है, तो हम बच्चे को ये बोलेंगे कि जब एक फिंगर रेज की जाएगी या जब एक टैप की जाएगी तो आपने वन वर्ड बोलना है, जैसे मेरा नाम अली है। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चे सेंटेंस बना रहे होते हैं और जैसे जैसे सेंटेंस की लेंथ इंक्रीज होती है तो बच्चे कुछ वर्ड्स को मिस कर जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन पाता। तो जब हम स्टेपिंग की टेक्निक को यूज करते हैं बच्चे को ये आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि जब एक फिंगर रेज होगी तो उसके साथ एक वर्ड को मैंने बोलना है, ठीक है। तो जब बच्चे को ये आइडिया हो जाता है कि एक सेंटेंस के अंदर 4 या 5 वर्ड्स हैं तो उसको पता होगा कि 5 फिंगर्स रेज हुई हैं तो कोई वर्ड मैंने मिस नहीं करना। तो इस तरह से बच्चे का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चे को प्रॉपर आइडिया होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम बच्चे की सेंटेंस बनाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। होपफुली ये टेक्निक आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच।